हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से हम लोग लखनऊ आ चुके हैं। थोड़ा सा आपको क्लिप मैंने दिखाई है और बताइएगा कैसी लगी वीडियो। और चलो सबसे पहले लखनऊ गए, सुना था प्लासियो बहुत बड़ा मॉल बना हुआ है लखनऊ में, तो सोचा कि चलो घूम भी लेते हैं। घूमने के लिए निकला, प्लासियो पहुंचा और वास्तव में देखा तो काफ़ी बड़ा बना हुआ है। अगर आप लोगों को भी कभी टाइम मिले तो प्लासियो ज़रूर देखें, अच्छा मॉल है। शॉपिंग वॉपिंग मैंने करी वहाँ पर, कुछ चीज़ें अच्छी भी थी, जो ब्रांडेड चीज़ें थी वो तो अच्छी थी, बाकी बहुत ज़्यादा तो आप जानते हैं कॉस्टली तो होता ही है ब्रांडेड आइटम। और प्लासियो काफ़ी बड़ा था, तो पहले तो स्कूटी से गया था, तो कार नहीं ले गया क्योंकि ट्रैफिक ज़्यादा हो जाता है। तो स्कूटी से गया तो पार्किंग नहीं मिल पा रही थी, कहाँ पर स्कूटी पार्क करें, तो आगे चलते गए। अंदर जाकर ज़्यादा वीडियो तो नहीं बना पाए, लुलू मॉल भी वहीं पर था तो सोचा कि लुलू मॉल भी देख लेंगे, लेकिन लुलू मॉल जाकर तो बिल्कुल ही बेकार सी फीलिंग आई, क्योंकि कोई भी चीज़ नहीं थी लुलू मॉल में, केवल एक चीज़ थी, विदेशों के फ्रूट्स वहाँ पर मिल जाते हैं, ठीक है। और फिर शॉपिंग करने के बाद गोमती नगर थाना जाकर, थोड़ा सा काम था उधर, तो गोमती नगर मैं जाऊं और वहाँ के मोमोज़ ना खाऊं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आपने और भी देखा होगा, मैंने कई बार वहाँ के मोमोज़ का वीडियो डाला, क्योंकि मेरे फेवरेट मोमो है वहाँ के और मैं वहाँ के मोमोज़ ज़रूर लेता हूँ और खाता जरूर हूँ, पनीर मोमोज़, ठीक है। आप लोग भी जाएँ खा के देखें, बताएँ कैसा लगा मोमोज़ खाने के बाद। यहाँ से निकल गया और मैंने टैटू करवाया था अपने हाथ पर, तो टैटू करवाने के लिए वहाँ गया टैटू स्टूडियो, और देखिए टैटू करवा रहा हूँ। टाइम हो गया था काफ़ी, रात के लगभग 10:30-11 बज चुका था। अच्छी सर्विस थी, बढ़िया टैटू बनाया है, और आप लोग देखिएगा और लास्ट में बताइएगा कि आपको टैटू ये लगा कैसा, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं मैथ से मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है, तो मैंने मैथ्स के सिंबल्स यहाँ साइन बनवाए हैं, देखा है आपने। टाइम भी देखिए 11:30 हो गया है और अब निकलने का टाइम हो गया। चलिए टाटा बाय बाय। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, एक बार आप ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपको ये अच्छा लगा या नहीं।